जी, हाँ आप सभी को नमस्कार। माननीय राजुल जी, आदरणीय अखिलेश जी, आईपी सिंह साहब और यूएचवी टीम के जो राष्ट्रीय स्तर की टीम है उसके जो सभी महानुभाव आज जुड़े हुए हैं और हमारे सभी आज के इस जो हम लोग जो इश्यू करने जा रहे हैं ये जो सत्र, उसमें जितने भी प्रतिभागी सम्मिलित हो पाए हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वास्तव में एक तो इस दृष्टि से भी सभी प्रतिभागियों का बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस कार्य के लिए अपनी सहमति दी है और समय लगाने के लिए वो तत्पर हुए हैं। उनका तत्पर होना इस कार्य के लिए इस बात का भी द्योतक है कि उनको ये समझ में आता है कि उनके स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए, स्वयं की प्रसन्नता के लिए, स्वयं की खुशहाली के लिए ये जरूरी है कि बात उनको भी समझ में आए और बात जो आसपास उनके लोग हैं उनको भी समझ में आए। तो इस दृष्टि से जो पूरी बात है उसको सुनने के लिए वो तत्पर हुए हैं और इस सब पैसा में लगाएंगे, इसके लिए मैं उन सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। यदि विभागीय तौर पर देखा जाए तो तीन प्रकार के लोग इस आज के इस आयोजन में सम्मिलित हैं, AICT UHV टीम को छोड़ करके। एक तो मुझे बताया अजय गंगा राणे जी ने कि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के ही लोग हैं, दूसरे जो है वो जो स्वैच्छिक संगठन है वहां से लोग हैं, और तीसरा कुछ अन्य विभागों के लोग हैं। स्वैच्छिक संगठनों से कहें तो जो स्वतंत्र लोग भी हैं, वो स्वैच्छिक संगठनों से ना भी हो, वो अपने ही घर में रह करके अपने आप स्वयं वो कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो लोग हैं। दूसरे फिर जो शिक्षा विभाग से शिक्षक हैं, और तीसरे जो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, वो जो कॉमनलिटी है जो एक सभी में जो एक बात जो साझा दिखाई पड़ती है वो बात ये है कि हम सभी लोगों ने किसी न किसी स्तर तक की शिक्षा को प्राप्त किया है। उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद हम शिक्षा से क्या चाहते थे उसका कहीं शायद पूरा का पूरा रियलाइजेशन नहीं हो पाया। शिक्षा से हम क्या चाहते थे, वो जो चाहते थे उसकी स्पष्टता, और यदि वो स्पष्ट था तो वो हम पा गए क्या, क्या हम उस तृप्ति बिंदु तक पहुंच गए जिसके लिए हम शिक्षा चाहते थे। तो दो प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, एक तो जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो रहे हैं और एक जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं रहे हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में नहीं रहे हैं उनमें से जो लोग बहुत सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो ऐसा मान के चलते हैं कि हम और पढ़ लिख गए होते, यदि हम पढ़ लिख गए होते तो शायद जो हम चाहते थे वो हम पा गए होते। परंतु जो लोग किसी न किसी स्तर तक पढ़ लिख गए हैं उनके लिए ज्यादा बड़ी एक समस्या की बात है कि आप पढ़ाई लिखाई जितनी कर सकते थे, कई लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की हुई है, पीजी किया हुआ है ना, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, हर प्रकार की डिग्रियां ली हुई है, उसके बाद भी दिखाई पड़ता है कि हम चाहते क्या थे उसकी स्पष्टता नहीं है। और जो कुछ भी स्पष्टता थी किसी भी रूप में, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, है ना, पैसे के रूप में, जो भी चाहते थे उसका दिखाई पड़ता है कि उसका तृप्ति बिंदु नहीं है। तो इन सब पढ़ाई लिखाई का तृप्ति बिंदु दिखाई नहीं देता है, एक ये समस्या है, और तृप्ति बिंदु क्या हो ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। और वो अतृप्ति जो है वो तृप्ति के रूप में पूरी होगी कि नहीं होगी, वहां तक हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे तृप्ति बिंदु तक, ये एक और बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हुआ है। एक माता पिता के रूप में, एक समाज के प्रबोधक के रूप में, या एक शिक्षक के रूप में, हम लोग कहीं ना कहीं पूरे समाज से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम लोग खुद अतृप्त हैं तो उस दूसरों को किस प्रकार से हम लोग तृप्त कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे लिए खड़ा हो जाता है। खासकर शिक्षा विभाग के जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए तो है ही, जो हमारे प्राथमिक शालाओं के शिक्षक हैं या हायर सेकेंडरी तक भी पढ़ा रहे हैं, तो हम यदि विद्यार्थियों को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो बहुत लोअर केजी, अपर केजी लेवल तक या प्राइमरी लेवल तक शायद बच्चे ये कह देते हैं कि हाँ हम शिक्षक बनना चाहते हैं, उसके बाद ही दिखाई पड़ता है कि शिक्षक लोग बनना नहीं चाहते। और वो शिक्षक नहीं बनना चाहते उसकी प्रेरणा जो है, या प्रेरणा का ना होना वो भी कहीं ना कहीं हमसे फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि हम लोगों की जो अपनी अतृप्ति है, कुछ लोगों की बात छोड़ दीजिए, सामान्य बात कर रहा हूँ कि जो हम लोगों की अपनी अतृप्ति है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में हमारे शिक्षार्थियों के पास भी जाती रहती है, ना केवल शिक्षार्थियों के पास बल्कि हमारे परिवार के पास भी जाती रहती है। और यह अतृप्ति का स्तर जो है वो एकदम प्राथमिक शिक्षक से लेकर के वो टॉप लेवल तक का है ना। आप यदि उसमें प्रमुख से, अभी जैसा
बताया भी गया कि शिक्षा विभाग इस बात को लेकर काम कर रहा है और वर्कशॉप्स हुई हैं। आपको बताया अभी कि उस वर्कशॉप में एक 8 दिन की वर्कशॉप हुई जो आईएससी के साथ हुई, उसमें प्रमुख सचिव महोदय ने सारे ऑफिसर्स के लिए एक वर्कशॉप की, फिर उसमें मुख्य सचिव महोदय भी आए। तो ये सारी बातें हुई हैं, दिखाई यही पड़ता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो पूरा एक जो हमारा राष्ट्र है, पूरा जो विश्व है, राष्ट्र से विश्व तक हम लोग कैसे पहुंच सकें उसको लेकर के पूरी बात करने की आवश्यकता है। और एक हमारे लिए एक बड़ा आश्वासन इस बात का है कि ये जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप से हमें कहीं ना कहीं इस बात का आश्वासन मिलता है कि इस रूप में यदि हम लोग, चूंकि मैंने उस वर्कशॉप किया है तो दिखाई ये पड़ता है कि एक बार समझ बन जाती है और समझ के आधार पर हमारा आचरण और कार्य व्यवहार हो जाता है, तो कम से कम हम दूसरों के लिए तो एक सुख समृद्धि का स्रोत बन ही सकते हैं और एक प्रकार से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस पूरी संख्या को। और ये मल्टीप्लिकेशन जब होता जाएगा उसके बाद ही ऐसी स्थिति बनेगी और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके पास जब इस प्रकार की समझ और संस्कार पहुंचेंगे, समझ तो पुस्तकों से पहुंचेगी या ज्ञान के वितरण से पहुंचेगी, और जो संस्कार है वो आप और हम जो है वो आपसे और हमसे पहुंचेगी, हमारे कार्य और व्यवहार से पहुंचेगी, तो उस प्रकार के आश्वासन बनता है। माननीय अभी अरगल जी ने आपको बताया कि काफी कुछ इस पे काम हुआ है, 9वीं से 12वीं तक की किताबों पर जो है पूरा जो हमारी यूएचवी की टीम है, राष्ट्रव्यापी टीम है एआईसीटी के साथ के, उसमें जो तत्वावधान में काम कर रही है उन्होंने किताबों को बना दिया है, उन किताबों को लेकर के उसको वेटिंग करने की दृष्टि से काफी कुछ काम हुआ है, काम लगभग हो ही गया है, उसकी वर्कबुक्स बनाने का काम अभी चल रहा है। और 9वीं की जो किताब है उसका एक ट्रायल रन भी हमने अभी कर लिया है, अभी राजू जी यहीं पर थे तो उस पूरी ट्रायल रन हुआ, ट्रायल रन भी एक ऐसा हुआ है कि वो चूंकि 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का छमाही परीक्षा चल रही थी इसलिए 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, और जो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ हुआ है वो भी वो विद्यार्थी हैं जो लगभग 2 साल से स्कूल गए नहीं, यानी एक प्रकार से जो 6ठी क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ हुआ है, और वो पूरा उसको हमने उसको वीडियोग्राफी भी की है, उसके उसमें जो राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त है श्री धनराजू जी और प्रमुख सचिव महोदया मैं रश्मि शमी मैडम वो खुद भी उस कार्यशाला में कुछ समय के लिए आए, उन्होंने उसको देखा, जो SCRT है उसके भी सदस्य वहां पर रहे, और सभी लोगों को इस बात की एक बहुत अच्छी संभावना आशा और अपेक्षा बनी है इन बच्चों का जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आया है उसको देख करके कि बहुत कुछ अच्छा हम लोग कर पाएंगे। अर्गल जी ने जैसा बताया कि किताबों पर भी काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा पाठ्यपुस्तक समिति के पास जाना है, पाठ्यपुस्तक समिति के अप्रूवल के बाद कुछ प्रिंटिंग वगैरह काम होंगे, पर इस दौरान जो आप सभी लोगों ने खुद स्वेच्छा से जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि आगे बढ़कर के इस कोर्स को करने के लिए अपनी सहमति दी है उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे ये पता चला कि अभी इस बात को लेकर के कुछ संशय है कि किस प्रकार से जो है वो अवकाश लेना होगा, किस प्रकार से हम लोग जो है वो इस कोर्स को कर पाएंगे, आप लोगों में वैसे जिन लोगों ने भी इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया है तो इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो GED डिपार्टमेंट है उसका एक सर्कुलर है और उस सर्कुलर में जो है ये अपेक्षा की गई है विभिन्न विभागों से कि वे जो लोग भी इस कोर्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं उनको इसके लिए जो है वो सशर्त अवकाश इस दृष्टि से दिया जाए कि उनकी कहीं अन्यथा उनकी ड्यूटी ना हो, खासकर इस समय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो पंचायत चुनाव को लेकर के यदि आपकी ड्यूटी ना लगी हो तो आप लोग इसमें पूरी प्रकार से भाग ले सकते हैं। चूंकि 2-3 दिन बीच में छुट्टी थी तो आज ऑफिस खुलेगा, हम लोग भी थोड़ा सभी ऑफिसर्स लोग भी कहीं ना कहीं यदि वर्कशॉप में व्यस्त थे तो आज ऑफिस खुलेगा, आज हम लोग इस आशय के आदेश जारी हमें हम लोग कर देंगे, तो जो लोग भी इस वर्कशॉप में खासकर शिक्षा विभाग की दृष्टि से तो मैं कह ही रहा हूँ चूंकि मैं शिक्षा विभाग से ही हूँ तो वो लोग उसको ज्वाइन करें। परंतु एक बात का मैं जरूर थोड़ा सा संकेत करना चाहूंगा, राजूल जी ने उस बात को शायद कहा होगा या कहेंगे कि हम लोग इसके लिए सशर्त अवकाश इस दृष्टि से ले रहे हैं कि ये जो पूरा कोर्स है ये इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि लगातार हर 3-4-5 मिनट में आपका एक टेस्ट होता रहता है, उस टेस्ट से ये पता लगता रहता है कि आप उस पूरे जो कोर्स से जुड़े हुए हैं उस जुड़े ही हुए हैं, किसी आप उसको ऑन करके किसी और काम में नहीं लग गए हैं। तो सामान्यतः जो कुछ होता रहा बीच में लॉकडाउन के दौरान की है ना, बहुत सारे मजाक भी चलते रहे व्हाट्सएप पर की जो है हमने ऑन कर दिया बाद में नीचे बैठ करके आलू छील रहे हैं, तो वैसी स्थिति नहीं है। तो जो लोग भी शिक्षा विभाग से हमारे शिक्षकगण इसमें जुड़े हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा, बाकी लोगों के लिए भी अच्छा ही है, हम सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोर्स का डिजाइन इस प्रकार का है कि हम लोग लगातार जो है हर 3-4 मिनट में एक जो है वो पोल होता है, उस पोल में हमारा रिस्पॉन्स आता है, यदि उस रिस्पॉन्स में हम नहीं आ रहे हैं तो ये भी पता लगता है कि हम उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे, जुड़े हैं तो भी ध्यान नहीं दे पा रहे।
अभी आईएससी में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन में, जब हमने 2 माह पूर्व इस कोर्स को किया था तो दिखाई पड़ा कि लगभग जो 250 लोग जुड़े थे उसमें से 134 लोग ही वस्तुतः उस पूरे को उसमें जो रेस्पॉन्ड कर पा रहे थे, प्रॉपरली रेस्पॉन्ड कर पा रहे थे, ये भी दिख रहा था कि उसमें जुड़ पा रहे थे। तो मतलब एक कौशन की दृष्टि से भी चाहे तो आप उसको मान लीजिए, जिनको नहीं पता हो तो आपका जो अवकाश जो एक स्वीकृत होगा शासकीय कर्तव्य पर, जो अवकाश जीएटी गाइडलाइन से स्वीकृत होगा, वो इसी अपेक्षा के साथ स्वीकृत होगा कि आप जो है उन वो जो पोल हो गए, पोल के बाद जो फाइनली जो एक टेस्ट होगा या उसका जो पूरा हम कंपाइल करके निकालेंगे, उसमें आप लोग अच्छे उसमें अंकों के साथ आप लोग निकल के आ सके। अच्छे अंकों को निकलने का मतलब इतना ही है कि आप लगातार उसमें जुड़े रहे, जुड़े रहना और रेस्पॉन्ड करते रहना, उससे कुछ तो सुनिश्चितता हो पाती है कि आप उस पूरे पूरे कोर्स कंटेंट तक जा पा रहे हैं। इतना मुझे लगता है कि मेरी तरफ से एक आपको एक कॉशन ही उसको मान लीजिए, इतना थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक तो ये बात मैं पूरे, दूसरी बात फिर मैं पुनः एक बार अपनी बात को तो यहाँ मुझे समाप्त करना चाहिए, एक बार पुनः आप सभी लोगों को बधाई देते हुए, और मैं बहुत अपनी ओर से भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार देना चाहूंगा। यूएचवी जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम है, जो पूरे पूरे राष्ट्र में जो फैली हुई है, और इस कोर्स को करने के लिए, हम लोगों को कोर्स कराने के लिए जो कटिबद्ध है और जिसने अपना समय दिया है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बहुमूल्य समय कह देते हैं कि बहुमूल्य समय दिया है, पर वास्तव में वो सभी लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने वाले लोग हैं, अपने समय को निकाल करके वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए और खासकर स्कूली शिक्षा के लिए समय दे रहे हैं। मैं उन सभी का स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बहुत स्वागत भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक वैदेही जी ने लिखा है कि ये एग्जाम कब तक होंगे, तो ये एग्जाम वैदेही जी हर टीकमगढ़ से पूछ रही है, तो हर 3-4 मिनट में होने वाला है। जब ये कोर्स जैसे ही शुरू होगा, हर 3 मिनट में 4 मिनट में एक पोल होगा, है ना, तो एग्जाम जैसा नहीं है। तो लगातार आपका ध्यानाकर्षण आपका होता रहे कि जो मुद्दे कहे जा रहे हैं वो मुद्दे जो है वो आपके ध्यान में आ गए हैं, इसलिए हर 3-4 मिनट में होगा। तो कोई छमाही और सरना तिमाही परीक्षा जैसा नहीं है, लगातार होने वाला है, तो इसलिए लगातार हमें जुड़े रहना है, ऐसा मेरा आप लोगों से अपेक्षा है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को पूरे बहुत आभार और बधाई।